हेलो गाइज, अब हम हिरन की फाइबर की डाई बनाएंगे जिससे पत्तों के जरिए हिरन के अलग अलग पार्ट पे लगा देंगे। अब इस पे हम रेजिंग लगाएंगे और रेजिंग लगाने से पहले हम उसमें ब्लैक कलर मिला देंगे और पहले हम इसको पहले पार्ट पे लगाएंगे, नीचे वाले पार्ट पे। तो आप देख रहे हैं कि हमने नीचे वाले पार्ट पे रेजिंग का फर्स्ट कोट लगाना शुरू कर दिया है। तो देख रहे हैं आप, धीरे धीरे हम नीचे वाले पार्ट पे रेजिंग का फर्स्ट कोट लगा देंगे। हम ब्लैक कलर इसमें इसलिए मिलाते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि रेजिंग हर जगह फैल चुका है, हर जगह लगा दिया गया है, कहीं से छूटा नहीं है, इसलिए हम इसमें ब्लैक कलर मिलाते हैं। और अब इसको लगाने के बाद हम अब इसके बाद इसके ऊपर फाइबर के दो कोट और लगाएंगे जिससे हमारी डाई और भी मजबूत हो जाती है। तो इसको लगाने के बाद अब आप देख रहे हैं कि हमारी फाइबर की डाई बनके तैयार हो चुकी है। अब इसके अलग अलग कई पार्टों पे हम ड्रिल मशीन से छेद कर देंगे जिससे डाई निकालने में आसानी होगी। तो देख रहे हैं आप, ये डाई को धीरे धीरे आसानी से निकाला जा रहा है। अब हम डाई को अलग अलग पार्टों में बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद इसकी अच्छी तरह से हम सफाई करेंगे ताकि इसके अंदर मिट्टी जमा ना हो, और पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। अब इसको लगाने के बाद हम डाई के अंदर इसमें हम पॉलिश करेंगे जिससे चिकनाई हो जाए और हमारे इसके अंदर जब हम रेजिंग डालेंगे तो वो चिपकेगा नहीं। तो आप देख रहे हैं कि हम अब इसके अंदर रेजिंग डालेंगे जिससे डाई में वो चिपकेगा नहीं। तो हम पहले पार्ट को अच्छी तरह जोड़ लेंगे और उसके अंदर रेजिंग को डाल देंगे। तो आपने देखा, फर्स्ट कोट हमने रेजिंग का डाई के अंदर डाल दिया है और उसको अच्छी तरह से हम घुमा लेंगे चारों तरफ ताकि हर जगह रेजिंग फैल जाए। तो देख रहे हैं आप, इसको हम ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ी देर तक हिलाते रहेंगे जिससे हर पार्ट में रेजिंग फैल जाएगा, और ऐसे ही हम इसको घुमाते रहेंगे ताकि एक जगह रेजिंग इकट्ठा ना हो। तो देख रहे हैं आप, इसमें रेजिंग हमने डाल दिया है और इसको ऐसे ही थोड़ी देर हिलाते रहेंगे। तो देख रहे हैं कि हम अब इस पार्ट को बाहर निकालेंगे। तो देख रहे हैं आप, पीछे का पार्ट जो हिरन का है वो बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको धीरे धीरे बाहर निकाल लेंगे और देख रहे हैं आप कि कितना अच्छा और सुंदर पीस बाहर निकल के आ चुका है। इसी तरह से हम अब इसके आगे वाले पार्ट को भी निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं आप कि आगे वाला पार्ट भी हम धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं और कितना सुंदर बन के निकला है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम पार्ट को निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं हमारा हिरन बन के तैयार हो चुका है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्ले मिट्टी से कैसे हिरन तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी पेंटिंग करके दिखाएंगे कि पेंटिंग कैसे होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।